हेलो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस ऑन न्यू टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। या डिफरेंस बिटवीन कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। देखो, फर्स्टली हम देखते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शियस डिजीज, और अनदर हम देखते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज। दोनों में डिफरेंस क्या होगा? देखो, ये डिजीज होती है, दीज आर कॉज्ड बाय पैथोजन्स। ये जो डिजीज होती है पैथोजन के द्वारा कॉज की जाती है। अब व्हाट इज द पैथोजन? पैथोजन्स आर दोज एजेंट्स विच कॉज डिजीज, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरस, लाइक हेलमेंथिस। क्या होते हैं? पैथोजन्स होते हैं, ये डिजीज कॉज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस वो होती है जो किसी पैथोजन के द्वारा कॉज नहीं की जाती, मीन किसी वायरस, किसी बैक्टीरिया के द्वारा ये डिजीज कॉज नहीं की जाती। डिजीज होती है स्प्रेड हो सकती है एक पर्सन से हेल्दी पर्सन में, यानी एक इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूसरे हेल्दी पर्सन में डिजीज होती है स्प्रेड हो सकती है, इन्फेक्शियस डिजीज या कॉम्युनिकेबल डिजीज। ये डिजीज ऐसी होती है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होती, ट्रांसमिट नहीं होती, स्प्रेड नहीं होती। ये डिजीज होती है डिजीज स्प्रेड थ्रू, किस किस के थ्रू स्प्रेड होती है? एयर के थ्रू जा सकती है, लाइक इन द केस ऑफ कॉमन कोल्ड आप देख सकते हो एयर ड्रॉपलेट के थ्रू जाता है। वाटर के थ्रू, लाइक हैजा, क्लोरा, ये होते हैं वाटर के थ्रू जाते हैं। वैक्टर्स लाइक मलेरिया, वैक्टर लाइक मॉस्किटोज होता है वो सबसे कॉमन वैक्टर होता है जो क्या करता है, डिजीज को ट्रांसमिट करता है। लाइक चिकनगुनिया हो गया, एलिफेंटिस हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये जो कॉमन होते हैं ये डिजीज आर कॉज बाई मॉस्किटो वैक्टर, राइट। तो ये डिजीज होती है अलग अलग मेथड के द्वारा स्प्रेड होती है। इनके अंदर ये डिजीज होती है ना तो एयर के द्वारा, ना वाटर के द्वारा, ना वैक्टर के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होगी, मीन कोई भी इस तरह का ट्रांसमिशन फैक्टर यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होता नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज में। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल्स होते हैं लाइक कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक मलेरिया। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और स्कर्वी हो गया। ये डिजीज होती हैं, ये क्या होती है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में आती हैं। व्हाई डू वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स? देखो, इन्फेक्शियस एजेंट, एज यू नो, इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? लाइक बैक्टीरिया है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है, लाइक वायरस है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, लाइक एनिमल में लाइक हेलमेंथिस होते हैं वो एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, लाइक फंगस है वो एक इन्फेक्शियस एजेंट है। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की डिजीज कॉज करते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो होता है वो कॉमनली लाइक कोलेरा कॉज करता है, लाइक टाइफाइड कॉज करता है, इस तरह डिजीज कॉज करती है। ऐसे ही वायरस होते हैं लाइक HIV कोज करता है, लाइक डेंगू कोज करता है, लाइक चिकनगुनिया कोज करता है, इस तरह डिजीज कोज करते हैं। लाइक हेलमेंथिस होते हैं वो लाइक फिलारेसिस जो होते हैं डिजीज वो कोज करता है, इस तरह डिजीज कोज करेंगे। लाइक फंगस होती है रिंग वॉर्म या डर्मेटोसिस को बोलते हैं, वो डिजीज कोज करते हैं। तो हमें इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं, पैथोजन जो एजेंट होते हैं, उन्हें हमें उनकी करेक्टरिस्टिक को समझना क्यों जरूरी है, यानी उन्हें हमें क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों जरूरी है उनको? उनको इसलिए जरूरी होता है ताकि डिजीज को हम आसानी से समझ सकें, किसी डिजीज को आसानी से पढ़ सकें। अगर हमें इन्फेक्शन एजेंट के बारे में ही नहीं पता होगा तो हम डिजीज के बारे में नहीं पढ़ पाएंगे। थ्रू अंडरस्टैंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डिजीज, अगर हम किसी डिजीज के करेक्टरिस्टिक का पता करें तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजिली उसको ट्रीट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर पैथोजन का अगर हम पता लगाएं, जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, हमें कोरोना के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं थी इसीलिए हम इसका पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा ही किसी डिजीज का अगर हम पर्टिकुलरली हमें सही से पता नहीं होगा, अगर उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इसलिए पहले हम डिजीज के सिम्टम, उसके पैथोजन को हमें अच्छे से समझना चाहिए, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट जो होता है आसान बन पाएगा। अब जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे वायरस जो होते हैं ना,
वायरस जब बॉडी के इनसाइड रहेगा तो लिविंग होता है, बॉडी के आउटसाइड रहेगा तो नॉन लिविंग होता है। कहता है बॉडी के इनसाइड होगा तो लिविंग, बॉडी के आउटसाइड होगा तो नॉन लिविंग। तो ये तो करैक्टरिस्टिक होती है वायरस की, ये सबसे इसको अलग बनाती है। इसलिए वायरस जो होता है आउटर जो होता है वो नॉन लिविंग है और इनसाइड है लिविंग। तो इसी वायरस को किसी भी किंगडम में किसी भी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया, क्योंकि वायरस इज द बिटवीन द लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के लाइन के बीच में रखते हैं। कुछ उसके करैक्टरिस्टिक लिविंग के, कुछ करैक्टरिस्टिक नॉन लिविंग के। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वायरस लाइव इनसाइड द होस्ट बॉडी, मीन होस्ट की बॉडी में रहेगा तभी वो फंक्शन कर पाएगा। चाहे वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो या फंगस हो, ये सभी जो होते हैं बहुत ज्यादा फास्टली मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन जो वॉर्म्स होते हैं, वॉर्म्स लाइक हेलमिंथिस, वॉर्म्स मल्टीप्लाई स्लोली, ये क्या करेंगे, स्लोली मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉर्म्स होते हैं लाइक एस्केरिस है, एस्केरिस डिजीज कॉज करता है, ये इतना फास्टली मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा जितना वायरस बैक्टीरिया फंगस करती है, राइट? अब देखते हैं कि एंटीबायोटिक किस तरह से काम करती है। एंटीबायोटिक एक्शन किस तरह से हुआ, अब देखिए कॉमन एंटीबायोटिक के जो एग्जांपल होते हैं, अगर एग्जांपल देखिए कॉमन एंटीबायोटिक का, सबसे कॉमन आती है पेनिसिलिन। ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा डिस्कवर की गई थी। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, इसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे, उसके ऊपर उसने डिस्कवर की थी। पेनिसिलिन होगी लाइक टेट्रासाइक्लिन होगी लाइक पैरास्टामोल होगी, इस तरह की जो कॉमन होती है लाइक एम्पिसिलिन होगी, ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक होते हैं। अब एंटीबायोटिक काम किस तरह करते हैं? एंटीबायोटिक जो होते हैं, एंटी मैंने अगेंस्ट, बायोटिक मैंने लाइफ, ऐसे एजेंट लाइफ के अगेंस्ट होते हैं। एंटीबायोटिक सीक्रेट बाय बैक्टीरिया, या एंटीबायोटिक इज सीक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के द्वारा ही रिलीज किए जाने वाले जर्नली केमिकल्स होते हैं। किसके द्वारा जर्नली रिलीज किए जाते हैं? बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया के ही ग्रोथ रोक देते हैं। एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया, ये सिर्फ बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, याद रखना किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते। एंटीबायोटिक डजंट वर्क अगेंस्ट वायरस, ये किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, राइट? किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेंगे। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स जनरली बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक देती हैं। एंटीबायोटिक ब्लॉक द इन्फेक्शन पाथवे इन्फेक्शन पाथवे ऑफ बैक्टीरिया एंड ऑल्सो स्टॉप देयर ग्रोथ और इनकी ग्रोथ को भी रोक देंगे, राइट? सो ये याद रखना, ये कभी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते।
अब इसका क्वेश्चन ऐसा, अगर क्वेश्चन यहाँ पूछा जाए कि उसके अगेंस्ट काम क्यों नहीं करते, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटीबायोटिक होते हैं वो वायरस के अगेंस्ट काम क्यों नहीं करते, इसका रीजन आएगा क्योंकि बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन मैकेनिज्म होता है, जो बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म होता है, वो वायरस से बिल्कुल अलग होता है। यानी वायरस का जो इन्फेक्शन करने का जो मेथड होता है वो बैक्टीरिया से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए एंटीबायोटिक जो होते हैं किसी वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करते, इसके अगेंस्ट काम करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स, राइट।